रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को F-16 लड़ाकू विमानों का इंतजार है। जेलेंस्की ने बयान जारी कर दावा किया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए कई ताकतवर देशों ने उन्हें यह प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही आखिरी समझौता हो सकता है। जेलेंस्की ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले किसी ताकतवर देश के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने हुई G7 की बैठक में भरोसा जताया था कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देंगे और इसके लिए यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन बाइडेन के इस प्रस्ताव पर अब तक मुहर नहीं लगी है, क्योंकि अमेरिका ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि यूक्रेन को कब और कितने F-16 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे। इस बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन लद्दाख से लगने वाले विवादित हिस्से अक्साई चिन में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने पिछले कुछ दिनों में वहां चोरी छिपे तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया, लेकिन उसका ये राज उन सैटेलाइट तस्वीरों से खुल गया जो अमेरिका की एक रिपोर्ट में सामने आई। इन तस्वीरों के जरिए ये दावा किया गया कि चीन अक्साई चिन के इलाके में सड़कें, हेलीपैड और बंकर बनाने के काम में जुटा है। अक्साई चिन वो इलाका है जो लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, पर पहले चीन ने वहाँ चोरी छिपे सड़कें बनाई और 1962 में उस इलाके पर कब्जा जमा लिया, और तभी से इस इलाके को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। यही वजह है कि चीन जानबूझकर यहां अपनी सेना के अड्डे बढ़ा रहा है ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। उधर अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि पिछले साल रूस की जिन नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों में धमाके हुए थे उन्हें यूक्रेन उड़ाने की फिराक में था और अमेरिका को उसके प्लान की सारी जानकारी पहले से ही थी। इस सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि द वॉशिंगटन पोस्ट ने लीक हुई खुफिया जानकारी के हवाले से रिपोर्ट छापी कि अमेरिका को यूक्रेन के प्लान की भनक पिछले साल जून में ही लग गई थी और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में धमाके हुए थे उसके 3 महीने बाद सितंबर में। रूस से गैस लेकर नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 दो पाइपलाइनें बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाती हैं। पिछले साल सितंबर में स्वीडन और डेनमार्क के इलाके में उनमें धमाके हुए थे। वो धमाके कैसे हुए और किसने कराए ये अब तक पता नहीं चल पाया। मामले की जांच चल ही रही है, मगर अमेरिका उन धमाकों के लिए रूस पर शक जताता है और रूस अमेरिका और उसके दोस्तों पर ठीकरा फोड़ता है। यूक्रेन पर तो कभी किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। इधर दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के एक विमान की रूस के मकदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया के मुताबिक उस विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के बाद उसका रूट बदलना पड़ा और उसे रूस के मकदान एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। एयर इंडिया के इस विमान में 216 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर समेत 232 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। एयरलाइन कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 6 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-173 ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी। इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद उसका रूट बदलना पड़ा और उसे रूस के मकदान एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। इस बीच दिल्ली के जामिया नगर इलाके में संदूक से 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे जिनकी उम्र 8 और 6 साल थी। बच्चों के शव मिलने के बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, क्योंकि परिवार ने बच्चों की हत्या कर शव संदूक में रखे जाने का आरोप लगाया। बताया गया कि बच्चों ने दोपहर करीब 3 बजे अपने माता पिता के साथ खाना खाया और वो खेलने चले गए। जब काफी देर तक वो घर नहीं लौटे तो परिवार ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद दोनों का शव छत पर लकड़ी के एक संदूक से मिला। मारे गए दोनों बच्चे भाई बहन थे। इसमें बच्चे नीरज की उम्र 8 साल तो उसकी बहन आरती की उम्र 6 साल बताई गई। संदूक देखा तो अजीब सा है, मैं यही सोच रही हूँ कि किसी ने मार के ही फेंका है उसको, कुछ भी नहीं, बच्चे को मारा है। पुलिस ने शुरुआती जांच में मामले को हादसा बताया, क्योंकि